नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सिखो में। अभी अभी की ताज़ा खबर मिली है कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें राजस्थान की टिकटॉक पर चर्चा खत्म हुई। करीब एक घंटे तक चली राजस्थान को लेकर मंत्रणा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक राजस्थान की लगभग 70 सीटों के नामों पर लगी मुहर। वसुंधरा गुट के नेताओं को मिली खासी राहत और कुछ सिटिंग MLAs को भी दोबारा प्रत्याशी बनाया गया। 70 सीटों पर इस के दौरान चर्चा हुई, उसमें से पहली सीट है सिवाना, जहां से हमीर सिंह भायल का नाम सामने आ रहा है। इनके नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से मोहर लग चुकी है। अगली सीट है फलोदी, यहां से पब्बाराम बिश्नोई के नाम पर मोहर लग चुकी है। अगली सीट है बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी। अगली सीट है भरतपुर से भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है कठुमर, यहाँ से रमेश खिंची के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है नंद बदई, यहाँ से कृष्णेंद्र कौर दीपा के नाम पर मोहर लगी है। रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि के नाम पर मोहर लगी है। ये आशंका जताई जा रही थी कि राजकुमार रिणवा को यहाँ से टिकट मिलेगी, परंतु केंद्रीय चुनाव समिति ने अभिनेश महर्षि के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अनूपगढ़ से शिमला बावरी के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है वल्लभ नगर, यहाँ से हिम्मत सिंह जाला के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है हिंडौली, यहाँ से प्रभुलाल सैनी के नाम पर मोहर लगी है। हिंडौली से प्रभुलाल सैनी का मुकाबला अशोक चांदना से होगा। अगली सीट है सरदार शहर, यहाँ से प्रहलाद सराफ के नाम पर मोहर लगी है। पहले यहाँ से अशोक पिंचा के नाम पर मोहर लगने की आशंका जताई जा रही थी, परंतु इस बार भाजपा ने अपना दावेदार इस सीट से नया उतारा है। अगली सीट है फुलेरा, यहाँ से निर्मला कुमावत के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है बाली, यहाँ से पुष्पेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है गुड्डा मलानी, यहाँ के बिश्नोई के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है रानीवाड़ा, यहाँ से नारायण सिंह देवल के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है रेवदर, यहाँ से जर्सी राम के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है पिंडवाड़ा, यहाँ से सम्मा राम ग्यारसिया के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है लाडपुर, यहाँ से कल्पना देवी को टिकट मिला है। अगली सीट है सुमेरपुर, यहाँ से जोरा राम कुमावत के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है चोमू, यहाँ से भाजपा के प्रवक्ता और कद्दावर नेता रामलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। आमेर से उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के नाम पर मोहर लगी है। सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर मोहर लगी है। शेरगढ़ से वसुंधरा गुट के नेता माने जाने वाले बाबू सिंह राठौड़ के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है नोखा, यहाँ से बिहारी लाल बिश्नोई के नाम पर मोहर लगी है। वर्तमान में बिहारी लाल बिश्नोई इस सीट से सिटिंग MLA भी है। अगली सीट है हवा महल, यहाँ से शैलेंद्र भार्गव के नाम पर मोहर लगी है। शैलेंद्र भार्गव का सीधा मुकाबला एक कैबिनेट मंत्री महेश जोशी से होने वाला है। अगली सीट है सिविल लाइन, यहाँ से राघव शर्मा, जो एक नया नाम, जो चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है, इनके नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है किशन पॉल, यहाँ से सोहन लाल वाबी के नाम पर मोहर लगी है। सोहन लाल वाबी का मुकाबला कैबिनेट मंत्री अमीन कागजी से होने वाला है। अगली सीट है आदर्श नगर, यहाँ से रवि नैयर के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है मालवीय नगर, यहाँ से कालीचरण सराफ की जगह सुनील कोठारी, जिनको भी वसुंधरा गुट का नेता माना जाता है, उनके नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है सांगानेर, यहाँ से भजनलाल शर्मा के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगाई है। अगली सीट है बगरू, यहाँ से कांता सोनवाल के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है चाकसू, यहाँ से रामतार बैरवा के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है किशनगढ़ बास, यहाँ से राम हेत यादव के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है खीमसर, यहाँ से ज्योति मिर्दा के नाम पर मोहर लगी है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई थी। अगली सीट है परबतसर, यहाँ से मानसिंह किनसरिया के नाम पर मोहर लगी है। यह सीट भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में एक हॉट सीट बनी हुई है। अगली सीट है नवा, यहाँ से बाबूलाल कुमावत के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है हनुमानगढ़, यहाँ से कृष्ण कड़वा के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है नोर, यहाँ से भाजपा प्रवक्ता अभिषेक मटौरिया के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है पीलीबंगा, यहाँ से द्रौपदी मेघवाल के नाम पर मोहर लगी है। सीट है संगरिया, यहाँ से गुरदीप साहब पीनी के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है रायसी नगर, यहाँ से बलवीर लुथरा के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है राजा खेड़ा, नीरज अशोक शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है डींग कुमेर, यहाँ से डॉक्टर शैलेश सिंह के नाम पर मोहर लगी है। अगली सीट है बाड़मेर, यहाँ से प्रियंका चौधरी को टिकट मिली है। अगली सीट है बयाना, यहाँ से रितु को टिकट मिला है। अगली सीट है तारानगर, यहाँ से राजेंद्र राठौड़ गुट के नेता माने जाने वाले राकेश जांगिड़ को टिकट मिला है। अगली सीट है खाजूवाला, यहाँ से डॉक्टर विश्वनाथ को टिकट मिला है। डॉक्टर विश्वनाथ का सीधा मुकाबला गोविंद राम मेघवाल से होने वाला है। अगली सीट है जायल, यहाँ से बुद्धराम गरबा को टिकट मिला है। अगली सीट है चोरू, यहाँ से भाजपा के प्रतिपक्ष नेता और कद्दावर नेता माने जाने वाले लगातार इस सीट से 7 बार से सिटिंग MLA राजेंद्र राठौड़ को टिकट मिला है। तो दोस्तों,
कमेंट करके बताइएगा कि किन किन कौन कौन से चेहरे हैं जो वसुंधरा गुट के, और कौन कौन से नेता इस बार इस आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में इन सीटों से जीतकर आएंगे। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो यार, और इसी प्रकार की वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।